एनकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर विरोध जारी, मनसे ने मुंबई के लालबाग इलाके में पोस्टर लगाकर दी चेतावनी। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका, तेल कंपनियों ने बढ़ाए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। और कैमरे में कैद हुई वाशी मनपा कर्मियों की बदसलूकी, मनपा कर्मियों की जोर जबरदस्ती में युवक हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी की जेब को एक बार फिर से झटका लगा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश में अब घरेलू गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ है। आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3.50 रुपए बढ़े हैं, जिसके बाद देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आज से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 1003 रुपए, कोलकाता में 1029 रुपए, चेन्नई में 1018.5 रुपए हो गया है। घरेलू एलपीजी के अलावा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर भी 8 रुपए महंगा हुआ है। आज से 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए, कोलकाता में 2454 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए और चेन्नई में 2507 रुपए का मिलेगा। बता दे कि बीते 7 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ था। नवी मुंबई के वाशी में मनपा कर्मियों की बदसलूकी सामने आई है, जहां मनपा कर्मियों ने टोकरी साइकिल पर रखकर तरबूज ले जा रहा था। तभी वहां खड़ी महिला उससे तरबूज की कीमत पूछने लगी, तो उसने साइकिल रोककर महिला को कीमत बताई और उससे बात करने लगा। इतने में वहां पर पालिका कर्मी आ गए और उसका सामान छीनने लगे, तो उसने विरोध किया। इतने में दो और पालिका कर्मी आए और पीड़ित व्यक्ति का हाथ पकड़ के खींचने लगे, जिससे उसके हाथ से खून निकल आया है। बोले भाई यार खरबूजा तो मैं खाना हो रहा है और गाड़ी आ गया भाई लेके के चल गया। तो ये धंधा करने के लिए लेके जा रहा था कि क्या? नहीं दादा, मैं इधर रोड पे धंधा नहीं करता है दादा, गाड़ी लेके जा रहा था। हाँ, तो कितने का माल था उसके अंदर? उसका दादा एक खरबूजा है, 200-300 रुपया का खरबूजा है। अच्छा, पैसे ज्यादा कुछ? हाथ में तेरे कैसा चोट लगा दिखा जा रहा? शरीर लगा गया दादा। किसने लगाया? वो मुंशी का। दिखा दिखा दिखा। लोग तेरे को मारे क्या? मार के लेके गए क्या? मार के नहीं लेके गया दादा, ऐसे चोट के खींचने में लग गया तेरे को। गाड़ी लेके गए तेरी? हाँ दादा। साइकिल भी लेके गए? क्या बोल रहे थे? बोल रहे साइकिल भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे किया गया है, उसकी रिपोर्ट बुधवार की शाम को पूर्व कमिश्नर ने सौंप दी है। दो पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिश्रा ने अपने सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष होने के सबूत मिले हैं। कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने बुधवार की शाम को ही वाराणसी जिला अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। सिविल जज रवि दिवाकर ने सबसे पहले उन्हें ही कमिश्नर बनाया था। उनकी देखरेख में 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने उनका विरोध किया था, जिस कारण अजय मिश्रा के कोर्ट कमिश्नर रहते हुए सर्वे का काम ठीक से नहीं हो पाया था। तहखाना का ताला भी नहीं खुल पाया था। अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट खाता रंग के सिवरेज लिफाफे में वाराणसी की अदालत को सौंप दी है। उनके समय में हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पहले से ट्रेजरी के लॉकर में रखी हुई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजय मिश्रा ने अपने सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष होने के सबूत मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मस्जिद के अंदर और भी बेहतर तरीके से सर्वे की जरूरत है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पत्रों में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट इस विवाद में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री के वाद पर अपना फैसला सुना सकती है। दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग अलग हिंदू समूह की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां मस्जिद है। गुरुवार को इस मामले में मथुरा की कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। वहीं पिछली सुनवाई के बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में गुरुवार को कोर्ट ये फैसला सुना सकती है कि वाद स्वीकार होगा या नहीं। बता दें कि मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ अर्जी आई थी, जिसमें मांग की गई है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में मूल गर्भगृह को सील किया जाए। जिस जगह पर आने जाने पर रोक है उसकी उचित सुरक्षा व्यवस्था हो, प्राचीन हिंदू धार्मिक चिन्हों और कलाकृतियों को नष्ट होने से बचाया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित पोर्न रैकेट मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुंद्रा के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को पिछले साल 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्में शेयर करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को पिछले साल सितंबर में जमानत मिल गई थी। ईडी के जांच के मुताबिक फरवरी 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और हॉट शॉट्स नाम के एक ऐप को डेवलप किया। इस हॉट शॉट्स ऐप को राज कुंद्रा ने ब्रिटेन की कैनरिंग नाम की कंपनी को $50,000 में बेच दिया था। इस कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी असल में राज कुंद्रा के जीजा हैं, लेकिन इस हॉट शॉट्स ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरिंग कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी विहान ने
टाई अप किया था, लिहाजा इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन विहान कंपनी के देरा बैंक अकाउंट में होते थे। हॉटशॉट्स ऐप असल में पॉर्न मूवी का एक प्लेटफॉर्म था। इसके जरिए भारत में पॉर्न मूवी को बनाकर इसे हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड किया जाता था। इसके बाद इसे देखने में सब्सक्रिप्शन बेचे जाते थे। सब्सक्राइबर के जरिए होने वाली मोटी कमाई की रकम को मेंटेनेंस के नाम पर ट्रांजैक्शन राजकुंद्रा की कंपनी विहान में किए जाते थे। इस तरह पॉर्न फिल्मों से कमाई का पैसा यूके से घूमते हुए मेंटेनेंस के नाम पर राजकुंद्रा की कंपनी के अकाउंट में आता था। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर अब राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या में आने पर विरोध के बाद अब मनसे ने भी पोस्टर लगाकर चेतावनी दी है कि अगर राज ठाकरे को कोई भी हानि पहुंची तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का लगातार विरोध हो रहा है। अब इस पर मनसे की ओर से पोस्टर के माध्यम से चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर राज ठाकरे को जरा भी नुकसान पहुंचा तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। घरों की छत पर पानी की टंकी आपने काफी देखी होगी। इन टंकियों में 1000 लीटर पानी स्टोर किया जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे घड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें करीब 2000 लीटर पानी जमा किया जा सकता है। गर्मियों का सीजन आ चुका है। समय के साथ तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग गर्मियों को मात देने के कई तरीके अपनाने लगे हैं। अगर घर के अंदर है तो पंखे, कूलर और यहाँ तक कि एयर कंडीशनर के सहारे गर्मी से बचा जा सकता है। बात अगर ठंडे पानी की करें तो पहले के समय में गर्मियों में कुएं का ठंडा पानी लोगों को सुकून देता था। इसके बाद आई मिट्टी से बने घड़ों की बारी। अब तो फ्रीज के जरिए लोग गर्मी में भी बर्फीले पानी का मजा लेते हैं, लेकिन जो बात मिट्टी के घड़ों में है वो फ्रीज के बोतल के पानी में कहां। आपने आज तक घरों या सड़कों के किनारे लगे प्याओं में घड़े देखे होंगे। कुछ घड़े मटके जैसे होते हैं तो कुछ सुराही जैसे, कोई छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। कुछ घड़ों में तो अब नल भी लगे आते हैं ताकि पानी निकालने में आसानी हो। लेकिन आज हम आपको जिस घड़े के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा घड़ा है। जी हाँ, इस घड़े का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। लेकिन ये घड़ा आज के दौर का नहीं है, ये घड़े अब से हजारों साल पहले मौजूद थे। खुदाई के दौरान इन्हें बाहर निकाला गया। लोग इतने बड़े घड़े को देख कर हैरान हो गए। एक घड़े का आकार आम घरों में लगी पानी के टंकी के बराबर था। आपको लग रहा होगा कि टैंकर के साइज के घड़े हो ही नहीं सकते, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा घड़ा आज भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बने एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा घड़ा कहा जाता है। इसके अंदर 2000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। यह आज के दौर में नहीं बना है। इतिहासकारों के मुताबिक ये घड़ा करीब 2000 साल पुराना है। उस समय मौजूद कुषाण वंश में ऐसे घड़ों में पानी स्टोर किया जाता था ताकि वो ठंडा रहे। कुषाण वंश के ये घड़े करीब 40 साल पहले खुदाई में निकले थे। जब इनकी उम्र पर शोध किया गया तो पता चला कि ये 78 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच के हैं। जिस एरिया में ये घड़े मिले उसके पास से गंगा नदी गुजरती थी, उसी का पानी इन घड़ों में स्टोर किया जाता था। खुदाई में कुषाण वंश के दौरान इस्तेमाल कई तरह के बर्तन भी मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इन विशाल घड़ों ने खींचा था। इन घड़ों को संभाल कर कन्नौज में बने म्यूजियम में रखा गया है। जो भी यहाँ इन घड़ों को देखता है हैरान रह जाता है। तो वीकेबी के मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।